राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर कुछ ही समय पहले मतदान शुरू हो गया है। उससे पहले फलौदी सट्टा बाजार का सबसे सटीक व सर्वे ओपिनियन पोल। नमस्कार, द एप न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को लाइक व शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट की। जोधपुर लोकसभा सीट से इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत बनाम वैभव गहलोत के बीच मुकाबला है। यह मुकाबला काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले को प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री भी हैं। उनका सामना मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से है। रोचक मुकाबला देखे जाने की उम्मीद है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर आप जोधपुर की लोकसभा सीट से हैं तो कमेंट जरूर करें, बताएं कि अगला सांसद कौन होगा। नंबर दो पर बात करें पाली लोकसभा सीट की। पीपी चौधरी बनाम बद्री राम जाखड़ का मुकाबला है। यहां पर पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। पीपी चौधरी उभर रहे हैं। मोदी के मंत्री पीपी चौधरी की स्थिति काफी अच्छी बताई जा रही है। सर्वे की माने तो पीपी चौधरी यहां अगले सांसद होंगे। अगर आप पाली लोकसभा क्षेत्र से हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि पाली का अगला सांसद कौन होगा। नंबर तीन पर बात करें जालौर से देवजी पटेल बनाम रतन देवा से के बीच कड़ी टक्कर है देखने को मिलेगी। सट्टा बाजार की माने तो टक्कर का मुकाबला है। थोड़े से अंतर में देवजी पटेल आगे हैं। झालावाड़ा बारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह एक बार फिर से यहां से मैदान में है। इसका सामना नए प्रत्याशी प्रमोद शर्मा से है। प्रमोद शर्मा का नए प्रत्याशी होने के बावजूद काफ़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इनका प्रचार भी अच्छा चल रहा है। दुष्यंत सिंह बनाम प्रमोद शर्मा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन सर्वे की माने तो यहाँ एक तरफा मुकाबला है। दुष्यंत सिंह जीत के मुख्य दावेदार हैं। अगर आप झालावाड़ा बारा से हैं तो कमेंट जरूर करें कि यहाँ का अगला सांसद कौन होगा। अब हम बात करेंगे उदयपुर लोकसभा सीट की। उदयपुर लोकसभा सीट से अर्जुन लाल मीणा बनाम रघुवीर मीणा की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस सीट से अगला सांसद कौन होगा कमेंट करके जरूर बताएं। सर्वे की माने तो अर्जुन राम लाल का पलड़ा भारी है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी बनाम गोपाल सिंह शेखावत के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पूर्व व वर्तमान के बीच मुकाबला वर्तमान सांसद सीपी जोशी पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत टक्कर कर रहे हैं। दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं। सर्वे की माने तो दोनों ही कड़ी टक्कर में टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में यहां से कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। अजमेर लोकसभा सीट से भागीरथ चौधरी बनाम रिजू झुंझुनूवाला के बीच मुकाबला है। आपको बता दें हाल ही में यह सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस से यहाँ पर रघु शर्मा सांसद थे। इस सीट पर काफ़ी अच्छा मुकाबला है। यहाँ का सांसद कौन बनेगा कमेंट करें जरूर बताएं। सर्वे की माने तो भागीरथ चौधरी काफ़ी आगे चल रहे हैं। टॉक्स वाइफ माधापुर सुखवीर सिंह बनाम नमो नारायण मीणा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगला सांसद कौन बनेगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोटा से ओम बिरला बनाम राम नारायण मीणा के बीच रोमांचक मुकाबला देखे जाने की उम्मीद है। दोनों ही काफी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। ओम बिरला का पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार भीलवाड़ा से सुभाष बिडोलिया का मुकाबला राम गोपाल से है। मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। दोनों ही इस सीट से अगला सांसद कौन बनेगा देखने वाली बात होगी। बांसवाड़ा फूलकंवर वर्सेज ताराचंद का अच्छा मुकाबला देखने का मिलेगा। यहाँ का अगला सांसद कौन बनेगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहाँ पर मुकाबला मानविंदर सिंह बनाम राज चौधरी के बीच है। देखने वाली बात होगी यहाँ पर इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। यहाँ पर सबसे रोचक मुकाबला राजस्थान की कोई सीट पर है तो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर व झालावाड़ा बारा पर है। यहाँ पर कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जोधपुर के से मुख्यमंत्री के पुत्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं झालावाड़ा बारा से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र के दांव प्रतिष्ठा पर लगी हुई है।